हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नारायणा लाइव क्लासेस। चलिए आज का हम अगला असाइनमेंट करते हैं, जो है हमारे पार्ट कारतूस से ही, लेकिन उसका कंप्लीट चैप्टर का जो सारांश है उससे संबंधित असाइनमेंट करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिपाही वजीर अली से क्यों तंग आ चुके थे। सिपाहियों की ड्यूटी लगी थी उसको ढूंढने के लिए, पकड़ने के लिए। काफ़ी समय से वो उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वजीर अली जो है वो किसी के भी पकड़ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो तंग हो चुके थे। क्योंकि वह उनके हाथ नहीं आ रहा था, पकड़ में ही नहीं आ रहा था, इसलिए जो सैनिक थे वो तंग हो चुके थे, परेशान हो चुके। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, शहादत अली ने किसके साथ गद्दारी करी। शहादत अली थे, उन्होंने किसके साथ गद्दारी करी। अपने भाई के साथ, अपने भाई के साथ। वो गद्दारी करता आ रहा था, इसीलिए अंग्रेज सरकार उसे अपने में मिला लेना चाहती थी, ताकि वो उसके फायदे के लिए कार्य करे। ओके, मेरा तीसरा प्रश्न है, हक्का बक्का रह जाना एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है हक्का बक्का। हक्का बक्का रह जाना मुहावरा है, और उसका अर्थ क्या है, हैरान हो जाना। बिल्कुल ठीक, चौंक जाना, हैरान हो जाना। जब कोई भी काम हमारी उम्मीद से अलग होता है तो हम हैरान रह जाते हैं, उसको देखकर चौंक जाते हैं, उसी को कहते हैं हक्का बक्का रह जाना। अगला मुहावरा है, जान बख्श देना, मीन्स क्षमा कर देना। अगर कोई किसी की जान का दुश्मन है, गलती हो गई या कैसे भी है, उसकी जान का दुश्मन है, लेकिन अगर वो व्यक्ति उसे क्षमा कर देता है, मतलब उसकी जान उसको बख्श देता है, तो जान बख्श देना का अर्थ क्या बनेगा मुहावरे का, क्षमा कर देना। ओके, अब कंपनी के खिलाफ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में क्या दौड़ गया था, क्या दौड़ गया था, कोई घोड़ा है सवार तो था नहीं, मींस लोगों के अंदर, उनके दिमाग में अंग्रेजों को उनका जो शासन था उसे हटाने की लहर दौड़ गई थी। सबके मन मस्तिष्क में यही बात आ गई थी कि अब हमें कुछ भी करके अंग्रेजों का जो शासन है उसे खत्म करना है, वो लहर दौड़ गई थी, अंग्रेजी शासन को हटाने की लहर, अंग्रेजी शासन को हटाने की लहर पूरे हिंदुस्तान में दौड़ गई थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी कितना भी बड़ा कार्य हो, कितना भी मुश्किल कार्य हो, जब सब एकजुट होकर कार्य करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी पूरा होता है। समय लगता है कई बार, वो अलग बात है, लेकिन वो पूरा होता जरूर है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नल कॉलेज के को खेमे की तरफ कौन आता दिखाई दिया। जब कर्नल कॉलेज अपने कैंप में के बाहर बैठे हुए थे तो उन्हें दूर कौन आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उन्होंने सब लोगों ने जंगल को घेर रखा था और कर्नल अपने खेमे के बाहर बैठे हुए थे लेफ्टिनेंट के साथ, जिसके साथ वो पूरे पाठ के दौरान बातचीत करते हुए नजर आए हैं, तो वो बैठे हुए थे बाहर, तो दूर उन्हें कौन आता हुआ नजर आया, एक सवार, और सवार किस पर, घोड़े पर, किस पर सवार था, घोड़े, एक सवार उन्हें आता दिखाई।
सवार शब्द का प्रयोग यहाँ पर इसलिए किया गया क्योंकि वो व्यक्ति घोड़े पर सवार था, अगर पैदल आता तो एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, ओके, इसलिए सवार शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पंक्ति में ऐसे सॉरी पाठ में एक पंक्ति आई है, ऐसी उड़ती हुई धूल से प्रतीत होता था कि जैसे एक पूरा काफिला चला रहा है, धूल जब उड़ रही थी तो ऐसे लग रहा था कि पूरा का पूरा काफिला, एक पूरी पूरी टोली जो है कैंप की तरफ बढ़ रही थी, यह कथन किसने कहा, यह बात किसने कही और किसने देखा था सवार को, यस कर्नल कॉलेज ने, और वो जब उनकी तरफ देख रहा था तो धूल इतनी उड़ रही थी जबकि सवार केवल एक ही था और धूल इतनी उड़ रही थी जैसे वो एक व्यक्ति नहीं बहुत सारे, पूरा काफिला उनकी तरफ आ रहा है क्योंकि वो बहुत तेजी से आ रहा था। किसने कही थी ये बात, कर्नल कॉलेज। ये सवार को देखकर ऐसा लग रहा था कि पूरा काफिला चला रहा है। चलिए हमारा अंतिम प्रश्न देखते हैं, वजीर अली का एकमात्र उद्देश्य क्या था, वो छुपा हुआ फिर रहा था लोगों के साथ, था अंग्रेजों के खिलाफ उसने आवाज उठा दी, उनकी बात मानने को लिए तैयार नहीं था, लेकिन इन सब बातों के पीछे वजीर अली का उद्देश्य क्या था, यस अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना उनका एकमात्र उद्देश्य, वो ये सब सिर्फ इसीलिए कर रहे थे कि एक आजादी की लहर जो है लोगों में शुरू हो सके, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।